आचार्य जी, मेरे मन में ये सवाल बहुत देर से था। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर तमाम जो संत मौजूद थे मैं उनसे ये सवाल करूं, लेकिन कर नहीं पाई। मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि जन्मभूमि मस्जिद का जो मुद्दा है उसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो आप उस मुद्दे के साथ में खुद को कितना जुड़ा हुआ मानते हैं, क्योंकि लगातार सुर्खियों में और एक तरीके से कहें विवादों में ये मुद्दा बना हुआ है। देखिए साक्षी जी, सबसे पहला तो बात यह है कि ये विवाद नहीं है। विवाद तब होता है जब दो लोगों का एक चीज पे बराबर का हिस्सा हो और एक कहता हो कि मुझे ज्यादा चाहिए, दूसरा कहता हो कि मुझे ज्यादा चाहिए, ये विवाद होता है। जन्मभूमि का जो मुद्दा है ये विवाद नहीं है, क्योंकि वहां की उपस्थित जितनी भी भूमि है वो केवल हमारे श्री कृष्ण की है और उसमें एक इंची भी भूमि किसी और की नहीं है। बीते हुए काल में जब बड़े बड़े दुष्ट प्रकृति के लोग यहां भारत में आक्रमण करने आया करते थे, उन्होंने आके हमारे भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर कब्जा किया और वहां अपने अपने धर्मों की चीजों का निर्माण किया है। तो वस्तुतः मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत की जनता को बताना चाहता हूं कि उस प्रांगण में जितनी जमीन है वो पूरी की पूरी जमीन हमारे श्री कृष्ण की है, इस पर कोई विवाद नहीं है। अब जिन लोगों ने विवाद छेड़ा है हम उनको भी ये बात बता देना चाहते हैं, आज और आज के बाद हम हमारे श्री कृष्ण की वो जमीन हमारे प्रभु को दिलाकर ही रहेंगे, क्योंकि ये जमीन हमारी है और किसी की नहीं है, ये बात स्पष्ट है। अब रही मेरे जुड़े होने की बात, तो मैं सनातनी हिंदू हूं। और दूसरी बात आपको बताऊं कि हम लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण भी, आप लोगों को ये बात सुनकर आश्चर्य होगा कि मैं उस वंश परंपरा में आता हूं व्रज में, जिसमें कि हमारे पूर्वजों का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। और जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा था उस समय हमारे ही पूर्वज भगवान श्री कृष्ण के बराबर खड़े हुए थे, उस वंश परंपरा में हम आते हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों से, उनकी लीलाओं से और उनके अधिकारों से जितना लेना देना हमारा है उतना मैं नहीं समझता किसी का होगा। इसलिए मैं दावा ये प्रस्तुत करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कल भी वो जमीन श्री कृष्ण की थी, आज भी है और कल भी रहेगी, और उसमें केवल और केवल श्री कृष्ण की जन्मभूमि का निर्माण होगा, दूसरी कोई भी विक्षेप उसमें होगा नहीं, ऐसा वचन है हमारा।